अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ स्काई गर्ल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक एंड फर्स्ट क्लास। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सन टैन होम रेमेडी। तो घर पर रह के आप लोग कैसे जो है ना घर की चीज़ों को इस्तेमाल करके अपना सन टैन को जो है रिमूव कर सकते हैं, उसको लाइट कर सकते हैं। वैसे भी समर सीजन है तो हमारी नेक का कलर, हाथों का कलर, फेस का कलर और हमारे पैरों का कलर जो है बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है, तो और बहुत ज़्यादा जो है ऑफ लगता है। तो इसको कैसे इवन करना है और किस तरह से अपना सन टैन को जो है दूर करना है, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में वो शेयर करूँगी। और अच्छा, जो मैं आज आप लोगों के साथ जो रेमेडी शेयर करूँगी उसको आपने वीक में 2 से 3 बार जो है फॉलो करना है, तभी आपको उसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप कंपलसरी उसे वीक में एक वीक अगर आप कंपलसरी उसको यूज़ करते रहेंगे कंटिन्यूस, तो आपको आपको उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट और बहुत ही ज़्यादा जो है ना बेनिफिट दिखेगा। तो बहुत ही अच्छी है होम रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही इजी तरीके से। और सेकंड बात ये कि ये रेमेडी आप अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, नेक पे अप्लाई कर सकते हैं, अपने हाथों पे अप्लाई कर सकते हैं, अपने फुट फीट जो भी है उस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इवन कि आप अपनी पूरी बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी बॉडी का कलर डिफरेंट एक दूसरे से हो रहा है, यानी कि सन टैन का प्रॉब्लम है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के कैसे ये जो है होम रेमेडी हम बनाएंगे और इसमें ये कैसे अप्लाई करना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए है 1 चम्मच बेसन यानी चने का आटा। इसके बाद हमें चाहिए कॉफ़ी पाउडर, किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, और ये हम लेंगे 2 चम्मच। तो इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं 2 चम्मच। इसके बाद हमें लेना होगा लीमू, अगर साइज़ छोटा है तो पूरा स्क्वीज़ कर लें, या अगर बड़ा है तो हाफ डाल लीजिएगा। ठीक हो गया। तो ये थोड़ा सा जो है ऊपर से ड्राई हो रहा था लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी है, तो इसका कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। तो इसको अच्छे से हमने इसमें स्क्वीज़ करना है। इसके बाद हम लेंगे इसमें 2 चम्मच मिल्क, और मिल्क ऐड करने के बाद इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि आपका जो पेस्ट है वो थोड़ा सा थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं मिल्क, ताकि एक फ़ाइन सा पेस्ट बन जाए। तो इसमें और मिल्क ऐड कर लें, तो फिर उसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। तो ये हमारा पैक रेडी हो चुका है, अभी इसे हम अप्लाई करेंगे। ठीक है। हमने इसमें क्या ऐड किया था, सबसे पहले बेसन ऐड करा था। तो बेसन जो है वो टैन रिमूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट इंग्रेडिएंट है, और ये स्किन को लाइटन बनाता है, और ये बहुत हेल्प करता है कि ये स्किन को साफ़ सुथरा और फेयर बनाए। इसमें हमने कॉफ़ी पाउडर ऐड किया था, तो कॉफ़ी पाउडर एक नेचुरल सनस्क्रीन का काम करता है, और साथ में ये हमारे स्किन को लाइटन बनाता है, और ये हमारी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है, और साथ ही स्किन से रिंकल्स को दूर करने में भी हेल्प करता है। इसमें हमने लेमन मिक्स किया था, लेमन हमारे सन टैन को रिमूव करने में हेल्प करता है, ये भी हमारी स्किन को लाइटन करने में हेल्प करता है, ये हमारे स्किन से एक्स्ट्रा डर्ट को भी रिमूव करता है और हमारे स्किन को फेयर बनाता है। इसमें हमने मिल्क ऐड किया, मिल्क भी हमारे स्किन को लाइटन बनाता है और सन टैन को रिमूव करता है। 10 से 15 मिनट के बाद ये ड्राई हो जाएगा, तो इसको हमने सादे पानी से, ठंडे पानी से वॉश कर लें, और ये देख सकते हैं कि आप मेरे हाथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फेयर लग रहे हैं और कितने क्लीन हो गए हैं, और मैं ख़ुद इसको टच कर रही हूँ तो सॉफ्ट हैं। आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हो। तो इस तरह की बहुत सारी होम रेमेडीज़, मेकअप और बहुत सारी चीज़ें मेरी जो है यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है, तो वहाँ जाके आपने और चीज़ें भी देख सकते हैं। और कोई रिक्वेस्ट हो के आप कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो भी आप लोग मुझे कमेंट पर ज़रूर बता सकते हैं। और साथ में जो है मेरा इंस्टाग्राम जो है यूज़र आईडी शो रहा है, तो वहाँ जाके भी मुझे फॉलो कर लें। वहाँ मैं अपनी लेटेस्ट अपडेट और स्टाइलिंग और अपनी ड्रेसिंग की जो है पिक्चर्स अपलोड करती रहती हूँ, तो वो जाके भी आप लोगों ने फॉलो करना है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।